बिल्कुल मिलनी चाहिए मुख्यमंत्री जैसी। हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 राज्यों में संगठन चला रहे हैं, बिल्कुल चाहे हम, लेकिन बिल्कुल ज्ञापन हम जरूर देंगे। हम यही बैठेंगे, बारिश में बैठने को तैयार है, लेकिन हम ज्ञापन देंगे भाई के लिए हर तरीके से। हमारे लोग बारिश से भैया के लिए कुछ भी कर सकेंगे, भैया के सकते हैं बारिश में। ये बारिश आ जाए या तूफान आ जाए, हम भाई के लिए अपनी जान लगा देंगे और आज डीएम साहब को ज्ञापन देके मानेंगे। होगा चाहे बारिश कितनी भी हो, हम यहाँ पर डट के खड़े हुए और हमारा ज्ञापन जो है कलेक्ट्री पहुँचेंगे और डीएम को अपना ज्ञापन देंगे। यहाँ पे बारिश आई हुई है फिर भी लगे हुए हैं। बिहार में विशाल कुमार और आप देख रहे हो भी मिशन टीवी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर के देवबंद में हमला हुआ और आज हर जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाई जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए इस देश के अंदर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ, बहुजनों के हृदय सम्राट, इस देश में बहुजनों की लड़ाई लड़ने वाले, माता बहनों के सम्मान में लड़ाई लड़ने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यह हमला हुआ है। ये बहुत कायराना हमला है। इस हमले में जो आरोपी है, हम सरकार से निवेदन करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ, हमारी जान है, हमारी शान है, इस बहुजन समाज की बुलंद आवाज है। कैटेगरी की सुरक्षा के लिए मांग, हम चाहते हैं भाई को जेड प्लस सिक्योरिटी मिले, हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए मुख्यमंत्री जैसी। हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 राज्यों में संगठन चला रहे हैं, 28 राज्यों में अपनी पार्टी को चला रहे हैं। मेरा निवेदन है सरकार से, केंद्र सरकार से व राज्य सरकार से, कि भाई को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जिससे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा हो पाए। वो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम डीएम साहब से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय से कि हमारे मांग को पूरा किया जाए, अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए और जेड प्लस सुरक्षा मिली जाए। सुरक्षा नहीं मिली तो क्या कदम रहेगा? सुरक्षा नहीं मिली तो जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व आदेश करता है वो हम लोग कार्य करेंगे। जो घटनाक्रम हुआ, बगल से कमर से छुके गोली लगी और बाय चांस लग भी सकती थी तो क्या होता? क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर इस बहुजन समाज के समस्त माताओं का, बहनों का, समस्त साथियों का आशीर्वाद है, महापुरुषों की दुआएं हैं जिससे हमारे भाई बिल्कुल सुरक्षित हैं। पर ये बात, बिल्कुल हमला कई बार हुआ है, उनको कई बार जान से मारने की धमकी दी गई व जान से मारने की प्रयास किया गया, क्योंकि वो बहुजनों की आवाज उठाते हैं, वो बहुजनों के लिए लड़ते हैं, वो महिलाओं के लिए लड़ते हैं, बहनों के लिए लड़ते हैं, मुस्लिम भाइयों के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, पहलवानों के लिए लड़ते हैं, जो इस देश में 85% आबादी है उन सबके लिए जो लड़ते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसलिए सरकार घबराई हुई है, इनको डर सत्ता जाने का, और आज नहीं तो कल आजाद समाज पार्टी इस देश में काबिज होने वाली है और इनको ये डर खतरा। सूचना मिल रही है वहां से? हाँ, अभी हमारी जानकारी से मिला है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व से आदेश हुआ है कि हमारे भाई सुरक्षित है। हमारे आगरा से प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया है, हमारे माननीय प्रतिनिधि अध्यक्ष जी वहाँ गए हैं, भाई सुरक्षित है। एक बात बताइए, आपको पता है सबको हमला हुआ है? पता है। क्या मांग लेकर जा रहे हो आप? सभी बताइए एक बात, सभी जेट सुरक्षा की मांग है। आप एक बात बताइए, पूरे देश के अंदर अगर आज जो विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं वो भाई चंद्रशेखर आजाद है, वो हर समाज के गरीब आदमी की, बहनों की, सबकी आवाज उठा रहा है। और ये बात अभी से नहीं, कई पहले भी कही गई है, सरकार आग बंद करके मूंद बैठी है। जो समाज आपके साथ है, पूरा मुस्लिम समाज, आपके मुस्लिम ही नहीं, किसान, हर गरीब समाज, मैं मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई के साथ सारा गरीब समाज जो है वो एकजुट है और लाम बंद है। अगर जेट सुरक्षा भाई को नहीं मिली तो ये बहुत नाकामी होगी, ये डर सता रहा है सरकार को। मंडल अध्यक्ष जी खड़े हो जाइए बीच में। अधिक क्या देख पा रहे हो आप पूरे आगरा में? देख पा रहे हो आपको गुंडाराज नहीं चलेगा, ये नारों को लेकर क्या कर रखे हैं? हाँ तो देखिए, गुंडाराज तो नहीं चलेगा, जैसा कि आपने कल देखा। क्या लगता है गुंडाराज है? बिल्कुल है, अगर गुंडाराज नहीं होता तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर पे इस तरीके से हमला नहीं होता ना। तो गुंडाराज तो है, ये आप देखते ही आ रहे हैं पिछले 8 सालों से 9 सालों से, और कल जो घटना हुई है इससे पूरे बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। सभी आ रही है घर जाएंगे? हाँ, तो बारिश से हम डरने वाले नहीं है, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, हम ज्ञापन देंगे। बिल्कुल चाहे हम, लेकिन बिल्कुल ज्ञापन हम जरूर देंगे। हम यही बैठेंगे, बारिश में बैठने को तैयार है, लेकिन हम ज्ञापन देंगे भाई के लिए हर तरीके से।
सारे लोग बारिश से भैया के लिए कुछ भी कर सकेंगे भैया के लिए। बारिश आ गई है, बारिश आने दीजिए, हम चाहते हैं कि बाढ़ आ जाए लेकिन ज्ञापन हम देके रहेंगे। माइक दे दो, माइक देके रहेंगे आप, तो आप देख सकते हैं बारिश में नारा लाई, नारा लाई मुस्लिम समाज कैसा क्या लगे रहोगे बारिश में। ये बारिश आ जाए या तूफान आ जाए, हम भाई के लिए अपनी जान लगा देंगे और आज डीएम साहब को ज्ञापन देके मानेंगे। आप देख सकते हैं बारिश में चल रहे, बारिश में क्यों आप, बारिश बारिश पड़ रही है, हमारा जोश कभी कम नहीं होगा, चाहे बारिश कितनी भी हो, हम यहाँ पर दबके खड़े हुए और हमारा ज्ञापन जो है कलेक्टर पहुँचेंगे और डीएम को अपना ज्ञापन देंगे। हम भाई के लिए जान भी दे सकते हैं, बारिश कितनी तेज आए हम भाई के लिए टिके रहेंगे, ये गुंडा भाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बारिश आई हुई है फिर भी लगे हुए हैं, और बारिश में हम भी आपके बीच रिपोर्ट रख रहे हैं पूरे घंटाग्रम पर, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय देना। आप देख सकती है चारों तरफ बारिश का माहौल है फिर भी